मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया है। इस बार इंदौर के 10वीं के दो विद्यार्थियों ने बाजी मारी है। इसी कड़ी में उमरिया जिले के नौरोजाबाद अंतर्गत महुरा निवासी प्रमोद साहू ने 97.2% के साथ मध्य प्रदेश में 9वीं रैंक हासिल की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। घोषित परिणामों में लड़कियों ने फिर बाजी मारी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा घोषित परिणामों में उमरिया जिले के नौरोजाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम महुरा निवासी प्रमोद साहू ने 97.2% के साथ मध्य प्रदेश में 9वीं रैंक हासिल की है। अपनी सफलता का श्रेय छात्र प्रमोद साहू ने अपने माता पिता, अपने बड़े भाई और अपने शिक्षक गणों को दिया है। प्रमोद साहू के निवास पर अशोक तिवारी, शरद तिवारी, जनपद उपाध्यक्ष पूनम साहू ने पहुंचकर मुंह मीठा कराकर बधाई दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं के घोषित परिणामों में विद्या भारती सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रकाश नगर के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। कक्षा 10वीं के छात्र आशुतोष त्रिपाठी 94% अंक पाकर अपने विद्यालय में प्रथम स्थान पर रहे हैं। इसी क्रम में अंशु पांडे ने 93.2% अंक पाकर विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। परीक्षा परिणामों के क्रम में कक्षा 12वीं की छात्रा सुहानी शुक्ला 86% अंक प्राप्त कर विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया है। ऐसे ही कई विद्यार्थियों ने अलग अलग विद्यार्थियों में प्रथम आकर अपने माता पिता और शहर का नाम रोशन किया है। मेरा नाम प्रमोद साहू है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिनौरा में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत था। आज हमारे हाई स्कूल एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया, जिसमें मैं 500 में से 486 अंक अर्जित किया हूँ, टोटल 97.2%। मेरा पूरे मध्य प्रदेश में 9वीं रैंक है और अपने जिले उमरिया में 3री रैंक है। मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने भाई को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा, जो मुझे हर परिस्थिति में, हर समय में गाइड करते, हर स्टेप पे बताते क्या करना है क्या नहीं। इसके आगे 10वीं के बाद मैं विज्ञान संकाय में गणित विषय लेकर पढ़ना चाहता हूँ और 12वीं में और अच्छा करना चाहूँगा। आज एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें मैंने 83 अंक प्राप्त किए हैं। इस कामयाबी का श्रेय मैं अपने शिक्षकगण तथा परिवार को देना चाहूँगा। मेरा नाम यासिका गुप्ता है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से स्टडी करती थी, क्लास 12th की छात्रा हूँ। आज मेरा एमपी बोर्ड क्लास 12th का रिजल्ट आया है, जिसमें मैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम से थी और मुझे 90% आए हैं। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अपनी बहन और अपने शिक्षक गणों को देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण मैं अव्वल दर्जे तक प्राप्त हुई हूँ। मैं उनके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। बोलो। मैं आगे एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहती हूँ। उमरिया से ब्यूरो चीफ चंदन श्रीवास की रिपोर्ट।